नमस्कार, स्वागत है आपका एंड रिपोर्ट में। भारतीय क्रिकेट टीम को कई दिग्गज स्टार क्रिकेटर देने वाले क्रिकेट कोच तारक सिन्हा का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। तारक सिन्हा ने आज यानी शनिवार 6 नवंबर को सुबह 3 बजे अंतिम सांस ली। वे कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन के बाद क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उनके अचानक निधन पर कई क्रिकेटरों ने शोक व्यक्त किया है। तारक सिन्हा से क्रिकेट के गुर सीखने वाले कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है। तारक सिन्हा दिल्ली के सोनेट क्लब में अपनी क्रिकेट अकेडमी चलाते थे। उन्होंने भारत को 12 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए। इसके अलावा उनके द्वारा प्रशिक्षित दर्जनों क्रिकेट प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेले। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, उस्ताद जी नहीं रहे। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, एक दर्जन से अधिक भारतीय टेस्ट क्रिकेटरों के कोच, बिना किसी संस्थागत मदद के भारतीय क्रिकेट के लिए की गई सेवा के लिए आपको याद किया जाएगा सर। बता दें, तारक सिन्हा द्वारा तराशे गए खिलाड़ियों में सुरेंद्र खन्ना, रणधीर सिंह, रमन लांबा, मनोज प्रभाकर, अजय शर्मा, केपी भास्कर, अतुल वासन, आशीष नेहरा, संजीव शर्मा, आकाश चोपड़ा, शिखर धवन और ऋषभ पंत जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डंका बजाया है। इसके अलावा वह महिला क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा के भी कोच रहे। बता दें, तारक सिन्हा द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाले 5वें क्रिकेटर कोच थे। उनसे पहले यह पुरस्कार देश प्रेम आजाद, गुरचरण सिंह, रमाकांत आचरेकर और सुनीता शर्मा को मिल चुका था। तारक का शुमार देश के प्रतिष्ठित क्रिकेट कोचों में किया जाता था। उनका अचानक चले जाना क्रिकेट जगत की बड़ी क्षति है।